गाजियाबाद में हुई पत्रकार की हत्या पर आम आदमी ने प्रदेश सरकार को घेरा। गाजियाबाद के पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या के बाद आम आदमी पार्टी ने प्रदेश सरकार को निशाने पर ले लिया है। अपने गृह जनपद अयोध्या पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में न्याय मांगना भी गुनाह हो गया है। गाजियाबाद के पत्रकार विक्रम जोशी ने भांजी के साथ छेड़खानी की घटना की शिकायत करने के कारण उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी सांसद संजय सिंह ने परिवार से मुलाकात की थी। परिवार ने बताया था कि पत्रकार विक्रम जोशी ने वारदात से 2 घंटे पहले पुलिस से मदद मांग की थी, लेकिन ऐसों ने कोई मदद नहीं की और बेटियों के साथ अपनी बहन के घर से लौट रहे विक्रम जोशी पर गुंडों ने अपनी बेटियों के सामने गोली मार दी। श्री सिंह ने कहा कि समय रहते पुलिस प्रशासन ने गुंडों के खिलाफ कार्रवाई की होती तो आज इतनी बड़ी घटना न होती। उन्होंने योगी सरकार से पूछा, आखिर उन गुंडों को किसका संरक्षण था, पुलिस ने क्यों नहीं कार्रवाई की, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने पत्रकार विक्रम जोशी पर हुए हमले को न्यायिक जांच की मांग करते हैं, जिससे पूरे मामले का सच सामने आए, दोषियों को सजा मिल सके। श्री सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में रामराज्य लाने के नाम पर सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उत्तर प्रदेश को जंगल राज में बदल दिया है। कानपुर में पुलिसकर्मियों की हत्या, इलाहाबाद में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या, लखनऊ के लोक भवन के सामने अमेठी की माँ बेटी की आत्महत्या का प्रयास जिसमें माँ की मौत हो गई। इस सरकार में न पत्रकार सुरक्षित, न आम आदमी। प्रदेश में एक के बाद एक हो रही घटनाओं में लोग दहशत में हैं। अयोध्या से नौशाद आलम की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में न्याय मांगना भी अपराध हो गया है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में एक के बाद एक बड़ी आपराधिक घटनाएं पूरे उत्तर प्रदेश में घट रही है। कानपुर में 8 पुलिसकर्मी जो शहीद हुए, इलाहाबाद में एक परिवार के 4 लोगों की गला रेत कर हत्या कर दी गई, अमेठी में न्याय न मिलने के कारण माँ बेटी जिन्होंने लोक भवन के सामने आत्महत्या की कोशिश की थी, खबर यह है कि माँ की आज मौत हो गई। और उसके बाद गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी जिनकी भांजी के साथ छेड़छाड़ हुई थी, जो उन्होंने शिकायत की थी, अपने बहन के घर से लौट रहे थे, गुंडों ने पत्रकार विक्रम जोशी पर हमला किया जिनकी आज सुबह मौत हो गई। पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया था। राम राज लाने के नाम पर उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। इस सरकार में न पत्रकार सुरक्षित है और न आम आदमी जो सुरक्षित है। आम आदमी पार्टी यूपी सरकार से ये मांग करती है कि पत्रकार विक्रम जोशी के मामले की पूरी न्यायिक जांच होनी चाहिए कि जिससे जो लोग दोषी हों उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो सके। इसलिए सरकार से हमारी मांग है, पार्टी की मांग है कि पूरे मामले की न्यायिक जाँच हो।